Nazo's vlogs and welcome again to another vlog on my channel today. So by the way, I am going to Lulu now with Mehku after a very long time. So guys, finally I am aa gaye hain Lulu Mehku ke saath. So let's begin the shopping. Jaldi jana hai because aaj crowd kuch zyada hi lag raha hai Lulu mein. To chale jaldi finish karte hain. Miku, I'm just going to push you. Okay. I usually buy all my vegetables from Al Maya supermarket, which was really close by my place, but it's closed now. That's why I've come to Lulu. कुछ ना कुछ नया पिक करती हूँ. यूजली मैं दूसरे डोसा के लिए क्या बोलते हैं, आई सोक द राइस एंड मेक द डोसा बैटर. चेक आउट दिस व्हाट आई हैव गॉट. दिस इज डोसा पूरी फॉर ब्रेकफास्ट. डोसा पूरी दिस इज जस्ट द पाउडर, इंस्टेंट पाउडर. वी हैव टू जस्ट मिक्स इन वाटर एंड सम टेबलस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस, ब्लेंड इट थरली एंड वी कैन मेक डोसास. Yes, I really like this. So I'm gonna try. Maybe this is from long time, but I've never seen this. So let me buy this. Do bread ko kuda pack karenge? Two bread ka kuda please. ग्रोसरी शॉपिंग इज़ ऑलवेज़ अ बिट टायरिंग, इसलिए मैं कुछ ना कुछ स्नैक खरीद लेती हूँ लुलू से जब भी मैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाती हूँ. सो दैट घर पहुँचते ही इमीडिएटली मैं कुछ ना कुछ खा लूँ स्नैक गर्मा गर्म एंड देन आई कैन डू द अनपैकिंग ऑफ द थिंग्स शॉप्ड. तो ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट का सेक्शन. आई ऑर्गेनाइज ऑल द थिंग्स एंड कीप फॉर ब्रेकफास्ट, स्पेशली लाइक द सोजी, मैक्रोनी, वर्मिसली, पोहा, ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज व्हेन थिंग्स आर ऑर्गेनाइज्ड आई एक्चुअली एंजॉय कुकिंग. चलिए फिश फ्राई करने के लिए इजीएस्ट मसाला बनाती हूँ. आज मैं शरी फिश फ्राई कर रही हूँ, तो डीप फ्राई करने के लिए या पैन फ्राई करने के लिए दो भी कर सकते हैं. स्मॉल शरी फिश. आई हैव टेकन सम 10 पीसेस आई गेस. मसालों में मैंने सिर्फ लिया है ब्लैक पेपर पाउडर, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, पेपरिका, थोड़ा लेमन जूस और ये रहा सॉल्ट एंड जो गार्लिक पेस्ट. बस इन्हीं मसालों से मैं मैरिनेट करूंगी मछली को एंड इट्स गोना बी वेरी टेस्टी. सो लेट्स बिगिन. पहले से जाएगी मछली सारी. तो सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट, जितनी मच्छी है. ये 1 kg शेरी फिश है, स्मॉल वन, तो 1 kg में 9 पीसेज आए हैं. तो जितनी मछली है उतने हिसाब से मैं मसाला बना रही हूँ. तो सबसे पहले तो जिंजर गार्लिक पेस्ट गोना टेक. चार टीस्पून लिया है मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट. पेपरिका 1 टीस्पून. रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून भर के. पेपर पाउडर 1/2 टेबलस्पून और हल्दी 1/2 टीस्पून. हल्दी से मैंने ऑलरेडी धो के भी रखा है. और लेमन जूस, दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड लेमन जूस एंड सॉल्ट. सॉल्ट छोटा स्पून है तो 1, 2, 3.
बस अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी हाथों से ही। हाथों को अच्छे से पहले धो दीजिए। हम जस्ट मिक्सिंग इट। तो मसाला मैंने बना लिया है और नमक भी चेक कर लिया है, परफेक्ट है। नमक, मिर्ची और नींबू, तो मैंने मैरिनेट कर दी है सारी मछली। सो नाउ आई जस्ट इसको एक छोटे से प्लेट में निकाल के फ्रिज में रख दूंगी। आई रेफ्रिजरेटेड फॉर सम टाइम, और जब खानी है निकाल के फ्राई कर लेंगे। मैंने बड़ा सा बोल इसलिए लिया था कि मसाला लगाने में मुझे आसानी होगी। So here's the fish marinated. This goes in fridge. Fish is ready. See, the fish is ready, and as I say, whenever frying, pan fry ho ya deep fry ho, to hamesha each side 5 minutes chhod denge bina touch kiye, to perfectly fry ho jayegi. Serving the dinner. So this was the plain rice, as you can see the fried fish, aur ye hai काली मिर्ची का चार, देन इट्स इन बैंगलोर स्टाइल टोटली। यू कैन से इट्स लाइक रसम टाइप, नॉट टोटली रसम बट काइंड ऑफ रसम। सो सी यू ऑल गाइस सून इन माय नेक्स्ट कमिंग व्लॉग। अंटिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड सायोनारा, अल्लाह हाफिज। मछली जल की रानी है, रात को तल के खानी है।